हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज तारीख है 19, दिन है बृहस्पतिवार और टाइम हो रहा है, टाइम बज रहे हैं सुबह के 8:08। नहाना धोना हो गया है, मंदिर में दे आई हूँ क्योंकि काशी का व्रत रखते हैं, तो काशी के व्रत से अगले दिन पहले सीधा निकाल कर देते हैं पंडित जी को। उसके बाद अन्न खाते हैं क्योंकि काशी के व्रत में अन्न नहीं खाते, पता होगा जो लोग हिंदू लोग मेरी वीडियो देखते हैं। उदास हैं सायरा जी, मैंने वीडियो देखी, उदास हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बाज़ार से खरीद के नहीं ला सकते। अगर हम बाज़ार से खरीद के ला कर देने वाली चीज़ें हों तो हम सबसे पहले अपने लिए खरीदें जिससे हमारी उदासी जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तिल और गुड़ की बात करती हूँ मैं। हाँ, बीच में कहोगे आप तिल गुड़ कहाँ से आ गया, पहले मुझे यही करनी। तिल और गुड़ अगर आप सर्दी में यूज़ करते हैं, कभी भी ठंड का असर नहीं होता, ठंड का असर नहीं करता वो किसी भी तरीके से। आप चाहे लड्डू बना के, चाहे आप बाजार के तिल सकरी भी बोलते हैं उसे, और उसे गचक भी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो आप लेके खाइए, अगर आप वो यूज़ करते हैं आपको ठंड का असर बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आते हैं अकेलेपन पर। देखिए, जब कोई हमारे घर में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हो, चाहे वो हमारा अपना हो, कोई भी हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब वो जाता है ना तो वो सूनापन देकर जाता है, हमें अकेलापन देकर जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। और जब वो जाता है ना और हम कहीं जा, फिर हमारा घर में आने को मन नहीं करता, जैसा आपका मन नहीं कर रहा था, आप कह रही थी थोड़ी देर बाद जाऊंगी, क्योंकि वो अकेला अजीब सा लगता है वो घर। फिर धीरे 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 जैसे हम रहते हैं अपने डेली रूटीन में, हम आ जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई चीज़ चली गई। और बात रही अकेलेपन की, सुनेपन की, तो सायरा जी वो तो हम हैं, आप माने या ना माने दिल से, ये एक सच्चाई है कि जैसे आप हैं जैसे हम हैं तो हम अकेले ही हैं। कुछ टाइम के लिए कोई आ जाता है या आके हमारा थोड़ा टाइम कट जाता है, हमें अच्छा लगता है, उससे हमारी ज़िंदगी में एक जो आती है ना, वो क्या कहते हैं, दूसरा आयत, या जिससे हम हर बात कर लें, हर वक्त लड़ाई झगड़ा नोक झोंक, वो चीज़ नहीं रहती। हम अकेले हैं, हम अकेले ही रहेंगे, ये एक सच्चाई है, जैसे आप हो जैसे मैं हूँ। अब बात रही, अब आती है बच्चों की। देखिए, बच्चे जब तक हमारे साथ रहते हैं, जब तक सेटल नहीं होते, सेकंड या तो वो पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं जॉब करने, ठीक है, फिर वो छुट्टियों में ही आते हैं, या वो शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद तो सेकंड, एक बात बताऊं मैं आपको, शादी होने के बाद तो वो अगर हमारे पास दो घड़ी आकर बैठ जाते हैं ना और हमसे पूछ लेते हैं कि आप ठीक हो, आपने खाना खा लिया, तो सायरा जी इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा कि आप या हम, मैं तो उस दौर से गुजर चुकी हूँ और गुजर रही हूँ, आप कोशिश करोगी तो वो तकलीफ देगा, घर में झगड़े होंगे, उम्मीद करोगी ज़्यादा तो वो घर में झगड़े होंगे, क्योंकि पहले वो कौन होता है, पहले होते हो आप, पहले होते हो उसके पास पेरेंट्स, बच्चे के पास, वो पेरेंट्स को पूरा टाइम देता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जब दूसरा आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी का प्यार जो है वो बट जाता है और 80% प्यार उधर चला जाता है, क्योंकि उसे उसके साथ अपनी लाइफ काटनी होती है। और ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि हाँ, उसे उसके साथ अपनी लाइफ काटनी है, इसलिए उसे ही ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और दूसरे घर से कोई आई है तो वो किसके लिए आई है, वो हमारे लिए भी आई है, लेकिन वो उसके साथ ब्याह कर आई है तो वो 100% अपने पति का टाइम चाहती है। उसमें अगर हम इंटरफेयर करेंगे या हम कुछ टोका टाकी करेंगे, या हम बाहर जाने पर टोकेंगे, उसके पहनने पर टोकेंगे, उसके किसी चीज़ पर टोकेंगे, तो वहीं घर में झगड़े होंगे। हम अगर ये चाहेंगे कि हमारे पास थोड़ी देर आकर उसने पूछ लिया खाना खाया या नहीं खाया, ठीक हो, तबीयत कैसी है, या भगवान की ना करें कोई बीमार है, उसकी दवाइयाँ लाकर टाइम पर उसे दे दी, या पूछ लिया, या कभी अच्छे से बात कर ली, बहुत है। आज का टाइम ऐसा है, बच्चे इतना भी नहीं पूछते, 8-8, 10-10 दिन हो जाते हैं, 15-15 दिन,
चेहरा देखे हुए हो जाते हैं एक ही घर में रह के बच्चों को, वो आजकल के हैं। आजकल के बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर कुछ बच्चे आपसे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आके बात पूछ लेते हैं, आपका हाल चाल मालूम कर लेते हैं, समझो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कोई चीज़ आपको खाने के लाए हैं घर के लिए या आपको दे दी, बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा उम्मीद करोगे, मैं हूँ ना, मैं सुबह निकलती हूँ 9:30 बजे, मेरी बेटी की फैमिली तो सो के भी नहीं उठती, मैं तो अपना नाश्ता भी करके निकल जाती हूँ। क्यों इस बात पे क्या मैं झगड़ा करूँ या मैं इस बात पे लड़ाइयाँ करूँ कि नहीं मुझे नाश्ता मिलना चाहिए टाइम पे? नहीं, मैंने उसे शादी के 8-9 दिन बाद ही उसे अलग कर दिया था। ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर मैं रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर भी 3 कमरे थे, मैंने कहा तुम्हारे घर वालों ने सब चीज़ दी है, अलग हो गई, अलग कर दिया था, अलग हो गई है, अलग बनाओ अलग खाओ। कभी कभार हमें पूछो, तीज त्यौहार में पूछ लो, बहुत है, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं कि हम तुम्हें भी बना के खिला देंगे। जब कभी परेशानी पड़े, कभी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम आ जाना, उस टाइम कर देना हमारा। अब बात रही सुबह उठने की, उसकी बच्ची छोटी है, अभी 2.5 साल की होने वाली है, वो जब 3 साल की होगी स्कूल जाएगी तो वो खुद उठेगी, सुबह खुद उठेगी, उसे तैयार करेगी, स्कूल छोड़ के आएगी या स्कूल भेजेगी या बस पे बैठा के आएगी, जो भी करेगी करेगी, क्योंकि जैसे शादी होती है जिम्मेदारियां कम होती हैं, बच्चा होता है, जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाती हैं, जब जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं तो इंसान उस जिम्मेदारियों को उठाता है। तो हम शुरू में ही झगड़ा क्यों करें? अरे जब जिम्मेदारी आएगी वो खुद करेगी, हमने भी तो किया है, अब हम इन बातों पर लड़ेंगे, अरे ये कपड़ा ये काम नहीं करा, अरे ये काम नहीं करा, जितना अपने से हो सकता है करो, सामने वाला नहीं कर रहा कोई बात नहीं, जब उसके ऊपर पड़ेगा वो खुद करेगा। अब वो ऊपर रह रही है, मैं नीचे रह रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, जीना बीना कोई भी काम होता है मैं कर देती हूँ, है ना। लेकिन अब जो मकान बन रहे हैं वो अलग अलग बन रहे हैं, अब जो घर बने हैं वो बिल्कुल अलग अलग बने हैं, तो अब तो अपने घर का करोगी ना, तो उसमें झगड़ा क्या करना? जब इंसान पे पड़ता है तो वो करता है। आप उदास क्यों हैं वो मैं समझ रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पर नहीं बोलूँगी। देखिए जिस दौर से इंसान चेहरा पढ़ लेता है, मेरे अंदर वो है ताकत, वो है, मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ इंसान का, चेहरा पढ़ के ही बता देती हूँ ये इंसान क्या है, कैसा है और क्यों उदास है, क्यों खुश है, आप क्यों उदास है, मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे कह नहीं सकते हम, नहीं कहूँगी मैं। आप कह रही हो ना कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आप समझ नहीं पा रहे, जी हाँ आप समझा रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे, ये नहीं हम बॉस, मैं तो समझ पा रही हूँ अच्छी तरीके से, अच्छे से समझ रही हूँ क्योंकि मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ और वो दौर उस दौर में मैं हूँ। आप क्यों तकलीफ है, इसलिए आदत डाल लीजिए, स्ट्रांग बनाइए सबसे पहले अपने को, सबसे ज़्यादा अपने को इतना बिजी कर लीजिए कि आपको इधर उधर सुनने की या समझने की टाइम ही नहीं हो, और इतना थक जाओ कि आके सो जाओ, इतना आप अपने आप को बिजी कर लो। पता है सोशल मीडिया पे या कहीं ट्रेन में या कहीं, मैं जब बहुत ओल्ड एज कपल देखती हूँ ना, ओल्ड एज कपल देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। एक बहुत अच्छा कपल आता है, बहुत, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं कभी कभी रो पड़ती हूँ देख के कि मतलब कितना इस टाइम में भी साथ है, कितना प्यार है इन दोनों में। ये सब नसीबों से मिलता है, ये चीज़ बाजार से खरीद के लाने वाली नहीं होती सायरा जी, ये सब नसीबों से मिलता है, ये सब नसीब होते हैं अपने। वो कपल आता है, कितना प्यारा कपल आता है, वो कितना अच्छा लगता है मुझे देख के। सोशल मीडिया पे एक कपल आता है गाने के साथ, मैं ट्रेन में जाती हूँ कहीं जाती हूँ देखती हूँ तो पता है मैं यही कह देती हूँ कि आप कितने लकी हैं, आप अब भी साथ हैं। और भाई रात में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक तो होती है, ऐसा ना हो कि इंसान को ज़िंदगी से अलग करना पड़े, ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में कि उसे हम अपनी ज़िंदगी से अलग कर दें, बहुत मुश्किल होता है, लोग कहते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होती है अकेले ज़िंदगी काटनी। कैसे काटते हैं, जब बच्चों की शादी हो जाती है, अलग अलग सेटल हो जाते हैं अपने परिवार में, अपनी गृहस्थी में वो पड़ जाते हैं, तो जब हमें अकेलापन महसूस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने को बिजी कर लो, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में जीना सीख लो जैसे हमने सीख लिया, हर हाल में खुश रहो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव लगेगा। कह रही है ना कि कोई भूल जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं भूलते, दिमाग में लगते हैं, देख सायरा जी कोई नहीं भूलता, ज़िंदगी में जीने के लिए आगे निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है। लोग अपने को, मैंने अपने को इतना बिजी क्यों कर रखा है, इसीलिए कर रखा है कि मुझे कुछ भी याद ना आए,
सब याद आता है, अच्छी बातें भी याद आती हैं, बुरी बातें भी याद आती हैं, ऐसा नहीं है भूलता कोई नहीं है। तो इंसान वही है जो सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़े और अच्छे से बढ़े, है ना। हर जो आपके साथ हो रहा है उसे प्यार से एक्सेप्ट करें, सोच ले कि यही हमारी नियति है या यही हमारे साथ होना है और इसमें ही हमें खुश रहना है, है ना। खुश रहे हर हाल में, मैं तो ये कहूँगी सायरा जी खुश रहो हर हाल में और आने वाले टाइम के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि देखिए बच्चों से कभी भी ये एक्सेप्ट मत करना कि वो बच्चे आपको जितना अब टाइम दे रहे हैं वो आगे भी इतना देंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी अपनी गृहस्थी हो जाती है, उनका अपना परिवार हो जाता है, हर चीज़ की जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, जितनी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती हैं उतना टाइम उनके पास कम होता चला जाता है, है ना। तो इस बात के लिए आप कोई मतलब इस बात के लिए आप, मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है आपके बच्चे इससे भी बहुत अच्छे हों बहुत हों, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, ये तो 100% पड़ता है। आज के लिए इतना ही कहूँगी और मिलती हूँ आपको फिर एक वीडियो के साथ, ठीक है, ओके बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना यार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, ओके बाय।